नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक हमारा पर्यावरण का अध्याय 2, हमारी पृथ्वी के अंदर। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में क्या है? पृथ्वी किन पदार्थों से बनी हुई है? तो आइए हम देखते हैं पृथ्वी का आंतरिक भाग। ये देखिए, ये मानचित्र पृथ्वी का दर्शाया गया है। एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक एक के ऊपर एक संकेंद्रित परतों से बनी हुई है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को पर्पटी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय संहति के 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है, इसलिए इसे सीएल सी सिलिका तथा एल एल्यूमिना कहा जाता है। महासागर की पर्पटी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी है, इसलिए इसे सीमे अर्थात सी सिलिकॉन तथा मे से मैग्नीशियम कहा जाता है। पर्पटी के ठीक नीचे मेटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत को क्रोड कहा जाता है। ये देखिए पृथ्वी की संरचना बताई गई है, जिसमें ऊपरी परत पर्पटी और आंतरिक क्रोड बताया गया है। कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ अपन देखते हैं, जैसे ये साइड में बॉक्स दे रखा है, क्या आप जानते हैं? विश्व की सबसे गहरी खान। विश्व की सबसे गहरी खान अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोज चुके हैं। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह से 6,000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। महाद्वीपीय पर्पटी एवं महासागरीय पर्पटी का मानचित्र दर्शाया गया है यहाँ पर, जिसमें महाद्वीप को बताया गया है, महासागर और ये भूपर्पटी। क्या आप जानते हैं पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही पर्पटी है? 84% मेटल एवं 15% हिस्सा क्रोड है। पृथ्वी की त्रिज्या है 6,371 किलोमीटर। आइए हम पढ़ रहे थे, पृथ्वी जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है, यह मुख्यतः निकिल एवं लोहे की बनी होती है तथा इसे निफे निफे अर्थात नी निकिल तथा फे से फेरस कहते हैं। केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च होता है। सेल एवं खनिज पृथ्वी की पर्पटी अनेक प्रकार के सेलों के से बनी है। पृथ्वी की पर्पटी बनाने वाली खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। सेल विभिन्न रंग आकार एवं गठन की हो सकती हैं। मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार के होते हैं, आग्नेय इग्नीशियस सेल, अवसादी सेडिमेंट्री एवं कायांत्रित मेटामॉर्फिक सेल। द्रव्य मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक सेल भी कहते हैं। आग्नेय सेल 2 प्रकार की होती हैं, अंतर्भेदी सेल एवं बहिर्भेदी सेल। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है।
परपटी पर इस प्रकार से बने सेल को बहिर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं, बहिर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं। इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती हैं, उदाहरण के लिए बेसाल्ट। दक्कन पठार बेसाल्ट सेलों से ही बना है, दक्कन का पठार बेसाल्ट सेलों से ही बना है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है, इस प्रकार बने ठोस सेलों के अंतर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े 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 दानों का रूप ले लेता है। ग्रेनाइट ऐसे ही सेल का एक उदाहरण है। लेई मसाले तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन उपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। सेल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। इन छोटे छोटे टुकड़ों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अदंड अवसाद बनकर एवं कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की सेलों को अवसादी सेल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बना है। बलुआ पत्थर रेत के दानों से बना है। इन सेलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म पदार्थ, जीवाणुओं जो कभी इन सेलों पर रहे हैं, के जीवाश्म भी हो सकते हैं। आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांत्रित सेलों में परिवर्तित हो सकती हैं। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी, स्लेट एवं बलुआ पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। सेल हमेशा हमारे लिए बहुत उपयोगी सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। कठोर सेलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। कठोर सेलों का उपयोग घर, सड़क एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं, उदाहरण के लिए सात पत्थर, पिट्ठू, चिबिड्डी, स्टापू या किटकिट, पांच पत्थर, गिट्टी आदि। आप अपने दादा दादी, नाना, माता माता पिता, पड़ोसियों आदि से पूछकर कुछ अन्य खेलों की जानकारी प्राप्त करें। कुछ मुख्य जैसे लाल किला बलुआ पत्थर से बना हुआ है और ताजमहल सफेद संगमरमर से बना हुआ है। इग्नेशियस शब्द इंग्लिश लैटिन शब्द इग्निस जिसका अर्थ होता है अग्नि, सेडिमेंट्री लैटिन शब्द सेडिमेंटल जिसका अर्थ है स्थिर, मेटामॉर्फिक ग्रीक शब्द मेटामॉर्फोस जिसका अर्थ है रूप परिवर्तन। जीवाश्म सेलों की परतों में दबे मृत पौधों एवं जंतुओं के अवशेष को जीवाश्म कहते हैं। ये जो सेल चक्र आपको दिख रहा है, ये सेल का परिवर्तित चक्र है। जैसे मैग्मा पिघलता है और उससे आग्नेय चट्टान परिवर्तित बनती है, उसके बाद अवसाद के रूप में तलछट, फिर अवसादी सेल, कायांत्रित रूप। ये आपको चित्र द्वारा दर्शाया गया है।